नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश। मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला ठंडा भी नहीं हुआ, ब्रजेश ठाकुर का मामला भी चल ही रहा था जोर शोर से कि फिर से किसी तरह का मामला सामने आ गया है। इस बार मामला पटना का है, आसरा होम्स में दो महिलाओं की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाया जाता है। चूंकि उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पीएमसीएच में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद मामला गर्मा जाता है। मामला गर्माने के बाद एक जो महिला इसमें आती है, खूबसूरत सी महिला, निहायती खूबसूरत सी महिला एक आती है, मनीषा दयाल, जो कि इस आसरा होम्स को चलाती है। अब इस महिला की तस्वीरें कई बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया। सभी जो नेता है सफाई देने लगे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़ी बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स, बड़ी बड़ी खबरें। तो जैसे ही ये कांड हुआ और ये मामला सामने आया, तो हम मनीषा दयाल का जो फेसबुक है उसको खंगाले। अभी तो फेसबुक बंद हो गया है उनका, लेकिन बंद होने से पहले हम खंगाले, तो उसमें एक दैनिक भास्कर की खबर मिली जिसमें उनकी तारीफों के पुल बांधे गए थे। अब उसी खबर में मनीषा दयाल के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई, जो हम आपको बताते हैं कि मनीषा दयाल कौन है। मनीषा दयाल का घर है गया जिले में, बिहार के गया जिले में एपी कॉलोनी में मनीषा दयाल का घर है। बाबूजी का नाम है विजय दयाल, उनका गया में पेट्रोल पंप है, दयाल पेट्रोल पंप। मनीषा दयाल गया के क्रेन मेमोरियल स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की 1993 में, 1995 में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की, फिर आ गई पटना मेडिकल की पढ़ाई करने। एक साल तक चला, 1996 की बात है, एक साल तक मेडिकल की पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दी। फिर बीकॉम में एडमिशन ली। 1996 में ही मनीषा की शादी हो गई एक बिजनेसमैन से। मनीषा की शादी हुई बड़े बिजनेसमैन जीवन वर्मा से 1997 में। शादी के अगले साल मनीषा दयाल एक बिजनेस शुरू करती है अपने पति के साथ, गारमेंट्स का बिजनेस। और उस गारमेंट्स उनके जो होते थे वो बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, अलग अलग राज्यों में जाते थे। मनीषा बाद में एमबीए की फाइनेंस से। इसके बाद मनीषा बिजनेस की काफी दिन तक पति के साथ, फिर आ गई समाज सेवा के क्षेत्र। 2009 से मनीषा समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ गई कथित तौर पर, जैसा कि उस अखबार के कतरन में है। हम वही बता रहे हैं, दैनिक भास्कर की खबर है, उसी के कतरन में ये सारी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फिर रेड क्रॉस, यूनिसेफ, इस तरह के संगठनों से वो जुड़ गई। मनीषा दयाल 2016 में कॉरपोरेट क्रिकेट लीग का आयोजन की, उसी में कई नेताओं को बुलाई और उसी में नेताजी के साथ उनकी तस्वीरें आई। बाद में धीरे धीरे ये बड़ी हस्ती बनती चली गई और 2016 में ही वो एक शेल्टर होम खोली जिसमें मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को रखा जाता था। इसके बाद आसरा होम्स के दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, एक है चिरंतन जो कि सेक्रेटरी है, और एक है मनीषा दयाल जो कि कोषाध्यक्ष। दोनों की गिरफ्तारी के बाद फेसबुक पर इनकी तस्वीरें वायरल होती है, मनीषा दयाल जी की, खास करके मनीषा दयाल की तस्वीरें कई बड़े नेताओं के साथ है, निहायती खूबसूरत हैं मनीषा दयाल जी। कारनामे काले हैं, लेकिन मनीषा दयाल जी खूबसूरत है।